ले लो, हीरा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, गावो विश्वस्य मातरम् है, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री देने गए हैं। हाँ, बड़े लोग हमेशा भिखारियों को दिया करते हैं, और भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। दूसरा, उन्होंने जो है पंजाब का घी दान किया है, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ताकत। आने वाले समय में वहाँ मोदी पर जो है शोध होगा, मोदी हम ज्ञान भी देते हैं और भिखारियों को दान भी देते हैं, और इससे अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे स्थापित होंगे क्या? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 चीज़ें गिफ्ट में दिए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज जी। तो क्या कहेंगे महाराज जी इसके बारे में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 10 चीज़ें जो है उन्होंने दान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जी को, और उनकी धर्मपत्नी जिल बाइडन जी को उन्होंने ग्रीन डायमंड डोनेट किया है। इसके बहुत सारे तात्पर्य हैं, अगर मैं बोलना चाहूँगा तो न जाने एक रामायण बन जाएगी, कई घंटे निकल जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे गोदान किया, गोदान का मतलब क्या है, गावो विश्वस्य मातरम् है, गाय संपूर्ण विश्व की माँ है। तो अगर सृष्टि की रक्षा करनी है तो गोवंश की रक्षा करनी होगी, पूरे दुनिया में गोहत्या बंद करना होगा, नहीं तो सृष्टि का जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये एक बड़ा मोदी जी ने संदेश दिया है, जैसा कि जो हम कहते हैं हमारा देश विश्वगुरु है, तो समय समय से सावधान करना, तो अमेरिका को उन्होंने सावधान किया है और इसके बहाने पूरे विश्व को सावधान किया है कि अगर सृष्टि को बचाना है तो गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गोमांस जो खाने वाले लोग हैं गोमांस खाना बंद करें। साथ ही साथ में उन्होंने एक चंदन का टुकड़ा दिया है जो भूमि दान के रूप में, कि ये भारत की मिट्टी है, जैसी यहाँ की खुशबू, आप यहाँ का चंदन जो है देखिए, ऐसी खुशबू आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसको लोग मस्तक पर धारण करते हैं, ये हमारी भूमि है। दूसरा, उन्होंने जो है पंजाब का घी दान किया है, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ताकत में, और वैसे भी है कि बिना गोरसम कोरसम भोजनानाम, अगर भोजन में घी नहीं है तो उस भोजन का कोई स्वाद नहीं होता और शुद्ध भी नहीं होता है। तो एक जो दान करने की परंपरा है, तो एक तो उन्होंने दान भी किया, दान करने के साथ साथ एक बड़ा संदेश भी दिया, और तीसरी बात एक लोगों को और समझने की बात ज़रूरी है कि अमेरिका के सामने जहां तमाम लोग मांगने जाते हैं वहां हमारे प्रधानमंत्री देने गए हैं। हाँ, बड़े लोग हमेशा भिखारियों को दिया करते हैं, और तीसरा, ग्रीन डायमंड का मतलब ये भी है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा, ग्रीन सिंगल है, हम विश्वगुरु हैं। हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने उपहार भेंट किया है, इसके पीछे जो रहस्य है, इसको जानने में अमेरिका वासियों को वर्षों लग जाएगा, इस पर वो रिसर्च कर सकते हैं। आने वाले समय में वहाँ मोदी पर जो है शोध होगा, मोदी जी ने जो ये उपहार दिया है इस पर चर्चाएं होंगी, एक एक उपहार पर लोग जो है तो किताब लिख डालेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जो हमारे भारत का अतीत में स्वरूप रहा है, कि पूरी दुनिया में जो है राजा होते थे सबके ऊपर जो है, तो शासन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट भारत के हुआ करते थे, चाहे महाराज रघु का समय रहा हो, चाहे महाराज अच का रहा हो, चाहे महाराज दशरथ का रहा हो, या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का समय रहा हो, जब प्रभु श्री राम जी भी यहाँ 11,000 वर्ष तक राज किए हैं। तो इसलिए जो है आज मोदी जी ने वो फिर से एक बार झलक पैदा कर दिया कि हम विश्वगुरु भी हैं, हम ज्ञान भी देते हैं और भिखारियों को दान भी देते हैं, और एक संदेश भी दिया कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगी, अगर दुनिया को बचाना है तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन को बनाना पड़ेगा और भारतीय मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। जय श्री राम। महाराज जी, ये बात आती है बीच में कि क्या वो जो
मोदी जी ने 10 दान किए हैं, इससे अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे स्थापित होंगे क्या? हाँ, निश्चित रूप से इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा और अमेरिका वासियों के ऊपर एक बड़ी छाप छूटी है इससे। और भारत का रिश्ता अमेरिका से पहले भी अच्छा ही था। हाँ, ये ज़रूर था कि थोड़ा सा अमेरिका में तानाशाही थी, कि चूंकि वो विकसित राष्ट्र था और हमारे यहाँ बीच में थोड़ा सा जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स आ गई, उसके कारण थोड़ा सा देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में कांग्रेस के 60 साल की जो एक कुशासन की खाई थी और जो विकास में जो विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाया था, वो एक तरफ खाई भी जो है तो मोदी जी भर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के गौरव को भी बढ़ा रहे हैं। और यह जो 10 गिफ्ट है, यह 10 गिफ्ट नहीं, यह अमेरिका वासियों को फिर से एक बड़ा संदेश है। इससे अमेरिका भारत का संबंध बहुत बेहतर होगा और आपसी जो है सौहार्द भी बढ़ेगा, परस्पर एक दूसरे का सहयोग भी बढ़ेगा। जी महाराज जी, आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि जैसे कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान जो है, वो जब भी जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ ले आता है, और जब हमारे जब पीएम वहाँ पर गए तो वहाँ से वहाँ को कुछ ना कुछ दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ दिए। देखिए, उन डायमंड दिए, ग्रीन डायमंड दिए, ले लो हीरा, ले लो सोना, ले लो चांदी, ले लो है। और साथ ही साथ में उन्होंने एक संस्कृति का भी वो देकर संदेश भी देकर के आए कि गोवंश की रक्षा भी होनी चाहिए। तो ये है, देखिए, जिस राष्ट्र की जो संस्कृति है ना, उसका प्राण होता है, और भारत विश्वगुरु अपनी संस्कृति के कारण ही है। तो जो हमारी संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है, और जो वेद से इतर जिन लोगों का पंथा और मजहब है, वो भारतीय संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ मूढ़ लोगों ने उसको बीच में उन लोगों को पनाह दे दिया, शरण दे दिया था, जो आज जो है कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे, हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, परदादा का है, हमारा है। जो लोग कहते हैं उनका दादा परदादा तो पाकिस्तान चले गए, तो इसलिए जो है आज पाकिस्तान जो है भूखमरी से गुजर रहा, क्यों गुजर रहा है? क्योंकि वहाँ अमानवीय विचारधारा बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है वहाँ जो है, तो निर्दोष लोगों की निर्मम नृशंस हत्याएं हो रही, माताओं बहनों बेटियों की हत्या हो रही है, सरेआम बहन बेटियों को जो है तो उठा लिया जा रहा है। वहाँ 90-90 साल के बुढ़वा 5-5, 6-6 साल की जो है तो हिंदू बच्चियों के साथ में ज़बरदस्ती जो है तो निकाह कर ले रहे हैं। तो इस अपराध के कारण आज पाकिस्तान के में रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। यह ज़रूर है कि अगर भारत में इन जिहादियों को नेशनलिटी न दी गई होती तो आज भारत जो है पूरी दुनिया में सर्वोपरि होता, आर्थिक दृष्टि से भी। थोड़ा जिहादियों के कारण जो है नुकसान हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का प्रयास है कि जितने ईसाई और मुस्लिम हैं इनकी नेशनलिटी ख़त्म कर दी जाए और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जिससे भारत जो है अपना माने एक आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण भी कर सके। नहीं तो जो भारत में सांस्कृतिक मूल्यों की जिस तरह से इन जो है तो जिहादियों के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, माताओं बहनों का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है, लेकिन ये जिहादी आए दिन अपने जाल में हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा लेते हैं और इसके बाद उनकी निर्मम नृशंस हत्याएँ कर रहे हैं क्रूरता के साथ। और ये 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करने वाले जान के पैदा करते हैं इतना कि जिससे अगर 10-20 जेल में भी पड़े रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 40 में से अगर 30 ठों को फांसी भी हो जाए तब भी उनको 10 ठे बच जाते हैं। अब हिंदुओं को बताया कहे छोटा परिवार सुखी परिवार, तू हो मान लिया हिंदू, फिर कहे कि हम दो हमारे दो भी मान लिया हिंदू, फिर कहे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा हो मान लिया हिंदू, फिर कभी कभी बेटा की लालच में कुछ 2-3 ठे हो जाते रहे तो कहे बेटा बेटी एक समान हो मान लिया हिंदू। अब एक ही बच्चा हिंदू के पास है तो वह तो वैसे भी जो है तो हम जो है मानवतावादी हैं,
लेकिन ये जो 40 बच्चे वाले हैं, ये जो है लगातार माताओं बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारा सांस्कृतिक ह्रास हुआ है बीच में। अब धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। उसके लिए कसाई और ईसाई को इनकी जो नेशनलिटी है ख़त्म कराएंगे। वंदे मातरम। महाराज जी, एक प्रश्न और रहेगा आपसे कि जैसे कि साधु संत जो होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन आप भाजपा का समर्थन करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, आज स्थिति ये बन गई है कि विपक्ष जय श्री राम नहीं बोलता। क्यों? वो कहता है भाजपा वाले और संघ वाले बोलते हैं। विपक्ष वंदे मातरम नहीं बोलता, वो कहता है कि भाजपा वाले बोलते हैं। यानी अगर वंदे मातरम बोलना है, जय श्री राम बोलना है, अगर देश हित की बात करनी है, तो विपक्ष सोचता है कि ये भाजपाई है। तो भाई, देश नेशन इज फर्स्ट, मेरा ये मानना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और राष्ट्र हित के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए भाजपा में जब तक राष्ट्रवाद रहेगा, तब तक साधु संत ही नहीं, जितने देश प्रेमी हैं भाजपा के साथ रहेंगे। जय श्री राम। तो जी हाँ, ये थे हमारे साथ अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी, जिनसे हमसे खास बातचीत हुई।